12,000 रुपए का मेरा सामान कैसे एक डिलीवरी कोरियर कंपनी ने गोल कर दिया और उस सामान को इन लोगों ने खोला है, खोल करके उसमें से प्रोडक्ट निकाला है, ये प्रूफ आप देख लीजिए। ऐसे ही आपके साथ भी धोखा होता है जब भी आप किसी ऑनलाइन कंपनी से शॉपिंग करते हो। वहां पर आप देखते होंगे कि मोबाइल की जगह साबुन निकल जाता है, कभी मोबाइल की जगह चिप्स का पैकेट निकल जाता है। तो ये कौन करता है और कैसे करता है, मेरा साथ भी धोखा किया वो किसने किया, मैं आपको आज दिखाऊंगा सब कुछ लाइव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आप कभी भी अगर कोई अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं कहीं पर किसी के पास, कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं, चीज को मंगा रहे हैं या फिर आप भेज रहे हैं कहीं पर किसी कोरियर कंपनी से, तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान रखें। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और मेरा सारा का सारा पैसा इस कंपनी ने खा लिया है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेता हूं जिससे आपको सीख मिलती है और हर इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले देता हूं इस चैनल पर। तो एक लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर देंगे। सबसे पहले आप देखिए इस शिपमेंट है और इसमें मेरा ट्रैकिंग नंबर वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा। 24/9/2022 को मैंने इसको बुक किया था, उसके बाद प्रोडक्ट मेरा पिकअप हो गया था 24 तारीख को ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने भेज दिया था, ये एमपी टू एमपी प्रोडक्ट था, मतलब कि एमपी से मंगाया था और एमपी के लिए ही था, करेरा से इसको पिकअप करवाया था और ये भोपाल आना था। लेकिन भाई ये प्रोडक्ट सबसे पहले आया आगरा, झांसी आया, झांसी से आगरा, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से ये प्रोडक्ट आना था इंदौर। अब यहां पर आगरा तक प्रोडक्ट मुझे दिख रहा था, आप भी देख सकते हैं कि आगरा तक मुझे दिख रहा है कि मेरा प्रोडक्ट आगरा तक पहुंच चुका है। उसके बाद जैसे ही यहां पर इंदौर के लिए गाड़ी रवाना हुई इनकी और वहां से मेरा ट्रैकिंग होना बंद हो गया और उसके बाद वहीं पर ये लोग यहां पर मेरा ट्रैकिंग समाप्त कर दिए। अब यहां पर जब मैंने इनके पास मेल डाला तो मुझे रिप्लाई मिला कि कुछ हॉलीडे की वजह से आपका डिले हो रहा है और बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। ट्विटर पर इनको टैग किया तो ट्विटर पर डीएम किया, उसके बाद मुझे यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपका प्रोडक्ट हम बहुत जल्दी डिलीवर करवा देंगे। जैसे ही 10 से 15 दिन हो गया तो मुझे लगने लगा कि प्रोडक्ट मेरा बहुत डिले हो रहा है, कोई भी कोरियर कंपनी 7 दिन के अंदर तो प्रोडक्ट डिलीवर कर ही देती है। लेकिन भाई जैसे ही मैंने जहां से प्रोडक्ट को पिकअप करवाया था वहां पर एक मेल एड्रेस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका प्रोडक्ट तो मिसिंग हो गया है आगरा से। तो मैंने आगरा का डिलीवरी हब का नंबर निकाला और मैंने उनसे बोला कि यहां से आपने प्रोडक्ट मिसिंग कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि भाई आप मुझे ट्रैकिंग नंबर बताइए। तो उन्होंने मेरा ट्रैकिंग नंबर पूछा, वहां पर उन्होंने सब कुछ चेक करके अब भी तो मुझे वहां पर एक कैमरे का स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दिया, सीसीटीवी कैमरे का मुझे उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्ड दे दिया। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है कि हमने यहां से प्रोडक्ट को इतने बज के इतने मिनट पे इतनी तारीख को और इंदौर के लिए रवाना कर दिया। अब इंदौर हब में प्रोडक्ट जैसे ही मेरा पहुंचता है और यहां पर इंदौर का जैसे ही मैंने नंबर निकाला और उसके बाद उनको फोन किया जो मैनेजर है तो वो फोन नहीं उठा रहे। इस बात से सीधा साफ साफ मतलब है कि आप अगर उसी रजिस्टर्ड फोन नंबर से फोन कर रहे हैं जो आपका कोरियर में नंबर है तब आपका फोन वो लोग नहीं उठाएंगे, दूसरे नंबर से कॉल लगा रहे हैं तो वो लोग कॉल रिसीव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो बोलते हैं हमको इसकी जानकारी नहीं है और उसी नंबर से कॉल कर रहे हैं तो नहीं उठा रहे। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रोडक्ट को जानबूझ के खोला है। और आप ये देखिए, सबसे पहले आप इस देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा एक छेद हुआ हुआ और ये छेद किया गया है, इसको क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें एक मोबाइल था, इसमें ओप्पो का मोबाइल था और इसमें साथ में एक मेरा डॉक्यूमेंट था, पैन कार्ड वगैरह था और भी डॉक्यूमेंट था और इसमें साथ में एक मेडिसिन थी, मतलब कि एक पाउडर टाइप का था उसमें मेडिसिन थी। तो ये सारा का सारा प्रोडक्ट है इसमें था। उसके बाद इसमें टोटल वैल्यू बताऊं आपको कि 10 से 12,000 रुपए का सामान था, क्योंकि तो भाई हम नॉर्मली कंपनी पर भरोसा करते हैं, कोरियर कंपनी पर, तभी हम इतनी सारी चीजें भेज देते हैं अपने साथ, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर ये प्रोडक्ट इंदौर पहुंचा तो इन लोगों ने उसको खोल दिया, खोल करके मोबाइल निकाल लिया, उसके बाद उन्होंने आगरा फेंक दिया कि डैमेज हो गया बोले प्रोडक्ट आपका। अब जैसे ही भाई मैंने इनके पास दोबारा मेल किया, जो करेरा है वहां पर जैसे मैंने प्रोडक्ट को पिकअप करवाया था तो उन्होंने दोबारा इनको पूछा, सिक्योरिटी टीम इनकी वेरीफाई कर रही थी, सिक्योरिटी टीम ने वेरीफाई किया और आज टोटल मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रोडक्ट को 26 दिन हो चुका है, मतलब एवरेज माने तो आप मंथ हो चुका है, अभी तक मुझे प्रोडक्ट तो मिला नहीं है। और साथ में आपको बता दूं कि प्रोडक्ट मिलने के साथ साथ, प्रोडक्ट तो मिला नहीं वो छोड़िए, अभी तक जैसे ही यहां पर इनकी सिक्योरिटी टीम इनको वेरीफाई कर रही है और मुझे इतना सिर्फ बताया गया है कि आपका प्रोडक्ट खुल चुका है, ये देखिए आप लोग मेरा प्रोडक्ट है, बोले इंदौर में आपका प्रोडक्ट खुल चुका है। अब आपको दिख रहा होगा ये प्रोडक्ट खुला है या फिर इसको खोला गया है, लोग भी दिख रहे हैं, मतलब कि इस प्रोडक्ट को जानबूझ के इन्होंने खोला है। यार किसी गरीब का ये लोग क्यों करते हैं ऐसा, मेरे साथ तो ठीक है हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग साथ भी ये होता है,
और ये सारी की सारी जो इनकी रहती है कार, जो सारा का सारा कारनामा होता है, ये डिलीवरी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, डीटीडीसी हो, ब्लू डार्ट हो, ये सारी सारी जो कंपनी का यहाँ पर होता है, ये इनके इम्प्लॉय करते हैं। इम्प्लॉय कौन से? जो हब में रहते हैं, जो लोग डिलीवरी कुरियर भेजने के लिए आते हैं ना, वो नहीं, जो आपको देने आ रहे, गलती उसकी नहीं है। जब हब में प्रोडक्ट उतरता है, और हब में एक नहीं ऐसे हजारों प्रोडक्ट उतरते हैं, इनका एक हब होता है कि इस सिटी से वहां पर प्रोडक्ट को यहां पर सेंड किया जाएगा, वहां पर उतरेगा सामान, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग पिन कोड की अलग अलग इनके ऑफिसों में, वहां से फिर डिलीवरी जो कुरियर वाला व्यक्ति है उसको ले जाएगा गाड़ी से, फिर आपके घर तक पहुंचेगा। तो जो सामान उतरता है मेन हब में, जहां हजारों के तादाद में प्रोडक्ट पड़े होते हैं, और वहीं पर ये लोग चालबाजी कर देते हैं कैमरे को इधर उधर होकर के, और उसके बाद कौन देख रहा है? अगर कैमरे में भी करते हैं ना, तो कोई भी आपकी नहीं सुनने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपका इसका समाधान किस प्रकार से मिलेगा। इसके लिए एक कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट सेंट्रल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। तो आप सबसे पहले डायरेक्ट सेंट्रल लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट में हेल्पलाइन पर नंबर कॉल करिए, इसका नंबर आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करिए, अपने प्रोडक्ट का ट्रैकिंग नंबर बताइए उनको, कहां से प्रोडक्ट को पिकअप किया, कितना अमाउंट था, उसके बाद वो वहां से कंप्लेंट रेज कर देंगे। और अगर मेल आईडी पूछती तो आप मेल आईडी बता दीजिए उनको उस कंपनी की, ठीक है। तो जैसे ही उनको एचआर डिपार्टमेंट में वो लोग मेल करेंगे, मेल करने के बाद उनसे मांगेंगे 5 दिन के अंदर इसकी जानकारी कि ये प्रोडक्ट क्यों ऐसा हुआ और क्या हुआ। आपसे पूछेंगे क्या चाहते हैं आप इसके रिकॉर्डिंग, तो आप बोल देना कि मुझे ऐसा ही ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल सेम मेरा जैसे था, जो चीज मेरे उसमें थी। अगर आप बोलते हैं कि मुझे इसका चाहिए अमाउंट, पैसा चाहिए, तो पैसा भी वो लोग अगर डालते हैं तो आपसे कंपनी आपको पैसा भी देगी। बट पैसा देने की इनकी कंडीशन है कि आप जब भी उसमें अमाउंट डाल रहे हैं, उतनी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, कितने का सामान आपका इसमें है। अगर आप वैल्यू नहीं डालते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन डिलीवरी में यार ऐसा कंडीशन है कि अगर आप जितनी हाई अमाउंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ना, इनका चार्ज भी उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 1000 रुपए आपकी वैल्यू रहती है, तो आप लोग किसी भी कंपनी में देखेंगे आप लोग, तो यही होता है ज्यादातर, अगर 1000 रुपए उसमें वैल्यू डालते हैं तो आप लोगों का 150 रुपए लगेगा। वही उसी लोकेशन पर, उतनी सेम डिस्टेंस पर अगर आप उसमें 5000 कर देते हो तो ये लोग 300 ले लेंगे। अगर आप 10000 रुपए की वैल्यू का सामान कर देते हो तो ये लोग 500 रुपए चार्ज कर लेंगे। ऐसा भी इनकी यहाँ पर होता है। सबसे गलत है, ये घटिया काम है कि आप किसी भी चीज को लेकर के, मतलब कि कोई महंगी चीज है तो उसको आप बहुत अधिक पैसा ले रहे हो। भाई उससे आपको क्या मतलब, क्या चीज जा रही है, क्या नहीं जा रही है, आपको सारा का सारा सामान सेफ पहुंचाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी के डॉक्यूमेंट, किसी की मार्कशीट है, किसी का कोई प्रमाण पत्र है, कॉलेज का आईडेंटिटी कार्ड है, ज्वाइनिंग लेटर है, अगर वो कंपनी, अगर वो व्यक्ति किसी को भेज रहा है, तो भाई उसकी क्या वैल्यू है। अगर मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर है और वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, और इंडियन पोस्ट से तो चलिए लेट पहुंचता है, तो वो सोचता है चलिए एक प्राइवेट कंपनी से भेज देते हैं, और आप उसको गोल कर देते हो, तो उसकी क्या वैल्यू है मुझे आप बताएंगे? उसकी लाइफ है, ये उसकी जिंदगी है यार। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं तक बहुत गलत चीज है कि आप उसकी वैल्यू बता दीजिए कितने का है, ये हम आपको वापस से पैसा दे देंगे। इतना लापरवाही नहीं होना चाहिए। या फिर देखिए वो बात अलग होती है कि किसी की गाड़ी पलट गई या फिर किसी की चार चोरी हो गया कहीं रास्ते में, तो वो चीज अलग होती है। लेकिन सब कुछ सेम, सब कुछ सही हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, आपका सिंगल पार्सल गोल हो जा रहा है, ये बिल्कुल ही इनकी कर्मचारियों की लापरवाही होती है। और इनके कंपनी के जो मालिक होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं घटिया भाई, क्योंकि मैं इसके जो डिलीवरी के जो ऑनर है सायल करके, इनको मैं ट्विटर पर भी डीएम किया, बट इनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। तो इनसे लगता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिलीवरी कंपनी का पर्सनल, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देखा हूं, इस पर किसी का हेल्पलाइन नंबर तक नहीं है, आपको कोई वापस से मेल रिप्लाई नहीं करेगा यार। मतलब कितनी सोचिए, कितनी दुविधा वाली बात है, किसी का 10,000 का पार्सल गोल हो गया है, पार्सल खुल गया है, आपको हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया गया है कॉल करने के लिए, कोई मेल नहीं है, मतलब कि भगवान भरोसे चल रही कंपनी, बस देखा जाएगा जो भी होगा। और आपसे मैं यही कहूंगा कि भाई प्राइवेट कंपनियों से कुरियर करने से पहले आप लोग उसकी वैल्यू जरूर डाल दीजिए, जितने का सामान है आपका। और अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट अब नहीं मिलने वाला है, वो लोग आपको बोल रहे हैं मिल जाएगा, आप सीधे कंज्यूमर कोर्ट में हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट करवा दीजिए या फिर कंज्यूमर कोर्ट में चले जाइए, वरना ये लोग आपका पार्सल भी खा जाएंगे और अधिक टाइम हो जाएगा, तो फिर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। मेरा फाइनली 10,000 से 12,000 का नुकसान हो चुका है, अब देखा जाता है क्या होता है। और अगर आप चाहते हैं तो उस डिलीवरी हब के जो मैनेजर है उसके नाम से भी FIR दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि उसमें लापरवाही उनकी होती है। अगर कोई किसी भी कंपनी का सीनियर अधिकारी चाहता है कि उसकी कंपनी में सही से काम हो, तो ये पॉसिबल है, होएगा, क्योंकि
सीनियर अधिकारी के अंडर में वो लोग काम करते हैं, और वो अगर टाइट रहता है तो फिर जो नीचे अधिकारी हैं उनको कहीं नौकरी जाने का खतरा होता है, और अपनी ईमानदारी से काम को करते हैं। ये बात भी एक कहीं ना कहीं हद तक मान्य होती है, लेकिन अगर मैनेजर ही इतना लापरवाही हो तो फिर भाई मैं खुद देखा हूं कि मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा यार मैनेजर। ये सब मिली भगत होती है इनकी, मुझे जहां तक लग रहा है हब बालों की, इतने ऐसे छोटे लेवल पर तो ये काम नहीं हो पाते होंगे। जो भी है, आप लोगों के पास प्राइवेट कंपनी से कुरियर भेजने से पहले सोचें भाई, और जो ऐसे की होता है कैसे होता है मैंने आपको ये जानकारी दी। आप लोग कंफ्यूज रहते थे कि हमारे मोबाइल में आखिरकार प्रोडक्ट में साबुन कैसे निकल जाता है, तो ये डिलीवरी के जो तो जो कोई कंपनी होती है तो उसका जो हब रहता है उसमें ये सारी चीजें काम करती हैं।